इसी तरीके से कभी बारिश आई हुई थी और एक लड़का बेचैन था। बेचैन इसलिए था कि वो अपनी जिंदगी अलग जीना चाहता था और चाहता था कि आपकी तरह उसे भी तालीम दी जाए। मगर पहले पुराने दौर में तालीम इतनी आसानी से मिलती थी नहीं। आखिरकार फजर की नमाज के बाद वो लड़का सुबह सुबह अपने घर के सामने बैठा हुआ था। गोया मंजर ये गवाही दे रहा था कि यह लड़का सूरज निकला है तो सूरज गोया उसे नहा रहा नहला रहा। यही सोच में बैठा था कि क्या करूं मैं, ये जो तालीम है कैसे हासिल करूं। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई देती है घोड़े के चलने की, टख टख टख। ये आवाज़ दरअसल घोड़े के चलने के कदमों की नहीं थी, दरअसल उसकी ज़िंदगी के एक नाप था। चेहरा उठाकर देखता है तो उस घोड़े के ऊपर एक साहब बैठे हुए हैं जो टीचर हैं, वो जा रहे हैं। वो खुशी से झूम उठता है और उनके पीछे दौड़ना शुरू करता है। आखिरकार उन्हें एक मुकाम पर जाकर रुकते हैं। जो ही रुकते हैं ये उन्हें देखकर मुस्कुराता है और मुस्कुराकर उनको सलाम करता है। अननोन नहीं जानने वाला। फिर दूसरे दिन भी वही मामला होता है, तीसरे दिन भी वही मामला होता है। तो वो जो टीचर होते हैं पूछते हैं, क्या बात है बाबा, आपको मैं नहीं जानता, मैं आपको नहीं, आप मुझे नहीं जानते, फिर भी आप मेरे से सलाम कलाम जारी रख रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे ना जानते हो, इसलिए कि आप टीचर हैं और मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ। तब वो टीचर बोलते हैं, मैं यहाँ पर जो घर पे आ रहा हूँ ये दरअसल एक नवाब साहब का घर है और मैं उनके बच्चों को तालीम देने के लिए आ रहा हूँ। तो अगर मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ तो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, हक तल्फी होगी, और ये जो मैं फीस तनख्वाह ले रहा हूँ वो हराम में कहीं शामिल ना होगा। तब वो लड़का मुस्कुरा कर बोलता है, आज के सबक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टीचर बोलते, मैं तो अभी तुम्हें पढ़ाना भी नहीं शुरू करा और तुम सीखना भी शुरू करे। जी हाँ, आपका शागिर्द हूँ तो सीखूंगा ही सीखूंगा, बताओ क्या सीखे। तो बोलते कि आज मैं हराम और हलाल का जो है लेसन आपसे सीख लिया, अब मैं ज़िंदगी में हराम और हलाल को अच्छी तरीके से समझ गया हूँ और आपकी बातों को मैं अपने जहन में रखता हूँ। वो सर मुस्कुराते हैं। बहरहाल इसी तरीके से वो लड़का 7 दिन तक मुसलसिल आता है और रोज़ाना उसका काम आना, सलाम करना और चला जाना। एक दिन टीचर को जो है वहाँ पे रहम आता है, तब उन्होंने बोलते, बेटा मैं तुम्हारी एक हेल्प कर सकता हूँ। वो हेल्प ये है कि रोज़ाना मेरा घर यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है, रोज़ाना जो है तुम मुझे सवाल करना और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। यानी पढ़ना पढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि मैं सवाल करूँगा, तुम मुझे सवाल करो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तब वो लड़का बेटा, उसके अंदर डेडिकेशन रहता है, उसके अंदर कमिटमेंट रहता है, उसके अंदर पैशन रहता है। अगर उर्दू में बोलूँ तो जोश, जज्बा और जुनून, ये 3 क्वालिटीज़ उस बच्चे के पास पाई जाते हैं। तो ये बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह आता है, बड़ी बेचैनी से सुबह का इंतज़ार करना शुरू करता है, रात कटती नहीं कि कब सुबह हो और फिर मैं कब वहाँ पर जाकर तालीम हासिल करूँ। तो पहला स्टेप लेते हैं, एक सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, 1 किलोमीटर खलास, 2 किलोमीटर ख़त्म, फिर तीसरे 3 किलोमीटर ख़त्म। इस तरीके से पूरे 11 किलोमीटर का सफ़र बेटा ख़त्म हो जाता है, लेकिन उस बच्चे के सवालात ख़त्म नहीं होते। जब उसके सवालात ख़त्म नहीं होते तब टीचर बोलते, बेटा अब मेरा घर आ गया है, फिर हम दोबारा जो है कल बात करेंगे। दोबारा इस तरीके से दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरीके से गालिबन 7 साल तक ये बच्चा चलता हुआ तालीम हासिल करता है। और जब ये बच्चा तालीम हासिल करता है उसके बाद दुनिया की गैर मामूली नॉन पर्सनालिटी, सक्सेसफुल पर्सनालिटी, ए मॉडल पर्सनालिटी बन जाता है। जी हाँ, आज अगर आप देखें तो दुनिया के 254 फाइनेंस मिनिस्टर जिसके रूल्स को फॉलो करते हैं, ये वो बच्चा है जिसको 7 किलोमीटर रोज़ाना चलते हुए तालीम हासिल करा। और इस बच्चे को मैं और आप जिस नाम से जानती हूँ, उस बच्चे का नाम है इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह। तो आप भी अगर लाइफ में सक्सेस होना चाह रहे हैं तो पहले आपके अंदर जुनून होना,
यानी जुनून इस लेवल का कि जैसा सर मिसाल दे रहे थे, फादर साहब भी मिसाल दे रहे थे कि हमारे को ना सोने का ज़्यादा उतना सेटिस्फैक्शन मिलना, ना हमारे को जागने का, हमारे को हमारा जो मकसद हासिल करना है उसकी तरफ हमारा पूरी तरीके से लगाव रहना। जब हमारा पूरी तरीके से मकसद हासिल करने के लिए लगाव रहेगा तब चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, चाहे कितने भी चैलेंजेस हो, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स हो, उस बच्चे की तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ सब लोग जख्मी होकर हट रहे थे, कोई इधर गिर रहा था, कोई उधर गिर रहा था, लेकिन इसके पास ये जज्बा बरकरार था, ये इसके पास अपना विजन बरकरार था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे बढ़ता गया और इस मुकाम को पहुँचा। तो बेटा आप भी लाइफ में अगर सक्सेस होना चाहते हैं, सबसे पहली जो चीज़ है आपको आपका मकसद हासिल करने का जुनून होना। अगर आपके पास जुनून है, आप अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं, तो 100% इंशाल्लाह आप सक्सेस हो जाते हैं। शर्त यह है कि आपका जुनून आपके अंदर, आप जो है आपका टीचर आपका रहबर बने। इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर एक लड़का आप ही की तरह स्कूल जा रहा था, वहाँ पर भी बारिश हुई थी, आप बोलेंगे बारिश और स्कूल का क्या कॉम्बिनेशन है। अरे इतने बड़े बड़े लोगों के साथ जब इतना कॉम्बिनेशन है, तो जब हम यहाँ से निकले तब बारिश हुई थी यानी शाम में, अब आप देखते हैं तब जिस मुकाम पर है वो क्या है, वो क्या है, स्कूल है। जी हाँ, वो स्कूल है। तो ये दोनों का कोऑर्डिनेशन है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक लड़का स्कूल जाना शुरू करता है, जब जाना शुरू करता है तो सामने देखता है कि नदी है, गांव का लड़का है, नदी है, नदी क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि नदी का जो रिवर का लेवल है वो ज़रा बढ़ गया रहता है और वो फ्लो काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ फ्लो रहता है। वो जब बच्चा देखता है थोड़ी देर के लिए सोचना शुरू करता है और गया दिल में बोलता है, अरे नदी तेरे अंदर भी बड़ा जज्बा है, तेरे अंदर भी बड़ा जोश है, तेरा जोश और तेरा जज्बा जो है दुनिया देख सकती है लेकिन मेरा नहीं देख सकती क्योंकि मेरे दिल के अंदर है। आज मैं तुझे अपना जोश और अपना जज्बा दिखाऊंगा और मैं जिस मकसद से अपने घर से निकला हूँ वो मकसद इंशाल्लाह पूरी तरीके से हासिल कर लूँगा। तब वो बच्चा अपना जो है बैग पीछे बांध लेता है और बैग पीछे बांध लेकर यहाँ पर नदी को देखता है तो ख्याल तो ये भी आया होगा कि अरे नदी का तो बहाव बहुत तेज है, अगर इसमें चले गए तो बह जाएंगे। सोचने वालों ने तो ये भी सोचा होगा आज नहीं गए तो क्या चलेगा, क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये बच्चा तय कर लेता है कि मैं इस नदी के बहाव को इंशाल्लाह क्रॉस करूंगा। फाइनली वो बच्चा उस नदी के बहाव को क्रॉस करके चले जाता है और स्कूल में जब टीचर देखते हैं तमाम साथी हंसना शुरू करते हैं, वहाँ पर जो टीचर रहते हैं उन्हें मुस्कुरा कर बोलते हैं, बेटा आज तेरे जज्बे ने नदी को हरा दिया है और मुस्तकबिल में तो ऐसा काम करेगा कि कईयों जो एक अपना बहुत बड़ा अपना नाम बनाएगा और कईयों लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। बिल्कुल बात उस टीचर की सही होती है। कुछ सालों के बाद वो बच्चा जो नदी क्रॉस कर कर गया था वो बच्चा हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनता है और नाम रहता है लाल बहादुर। तो आप अपनी इंशाअल्लाह ताला इस मंजिल पा सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो चीज़ आती है बहुत अहम है, बहुत गैर मामूली है, वो है अपने आप को डेडिकेट करना। कोई चीज़ को हासिल करने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से लगाना। जब आप कोई भी काम करने के लिए 100% लगाते हैं, जैसे खादर साहब बता रहे थे कि इस तरीके से जब आप बैठेंगे तब आपका फोकस स्पैन बढ़ेगा, ये तो 100% फिजिकल सही बात है, इस बात को आप फॉलो कीजिए। इससे भी और एक बड़ा जो डेडिकेशन है, घर के अंदर कभी अपनी माँ को देखिए और कभी अपने वालिद को देखिए कि उनकी शादी होकर 20 साल हुई या 25 साल हुई या 30 साल हुई, पता नहीं, शादी हुई से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह आपके माँ बाप सुबह आपकी माँ उठती है आपसे पहले, आपके लिए खाना तैयार करते हैं, आपके वालिद साहब हो सकता है आपसे पहले घर से बाहर जाते होंगे, आपके घर को जाने के बाद या नींद लगने के बाद वो जागते होंगे। ये दोनों का डेडिकेशन बताता है। जब इनसे सवाल किया जाता है, साहब आप ये अपने बच्चों के लिए इतना ज़्यादा कर रहे हैं, आखिर इसकी कोई तनख्वाह उनख्वाह तो मिलती होंगी, तब वो मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर बोलते हैं कोई तनख्वाह नहीं, ये हमारी औलाद है, हम इनको चाहते हैं, हम इनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ऐसी एक दफ़ा होता है मामला, एक माँ से जो है एक लड़का अपनी माँ से जाकर पूछता है, माँ तुम सुबह से शाम तक हमारे लिए इतने काम करते हैं, आखिर क्या वजह है, क्यों तुम हमारे कुत्ता ज़्यादा चाहते हैं, तुम हमारा ख्याल छोड़कर अपना ख्याल छोड़कर सिर्फ हमारा ख्याल रख रहे हैं, आखिर क्या वजह है।
तुमको क्या मुस्कुराता है या तुमको क्या मिलता है। तब माँ मुस्कुराती है और बोलती है, बच्चा मेरा दीवाने बातें कर रहा है। अरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम हमसे बेहतर और बेहतरीन जो है शानदार जिंदगी गुजारो। और उस माँ का भी यही ख्याल है, उस वालिद का भी यही ख्याल है कि ख्याल ये है कि मेहनत वो करेंगे, ख्याल ये है कि डेडिकेट वो करेंगे, ख्याल ये है खाने पीने ओढ़ने बैठने और तमाम चीज़ों का हिसाब इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ वो रखेंगे, हिसाब किताब उसका पूरा उन्होंने रखेंगे और उन्होंने तुम्हारे को अपने से बेहतर बजे बनाने के लिए कहाँ भेज रहे, ये स्कूल को भेज रहे। तो ये उनका डेडिकेशन है बेटा, इस डेडिकेशन को अगर आप भी अपनाते हैं तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आप आने वाले दिनों में उस लड़की की तरह ऑफिसर बन सकते हैं जिसका नाम शहनाज था है। जी हाँ, दिल्ली के अंदर रहने वाली ये, जिसके वालिद साहब रिक्शा चलाते थे, वो रिक्शा चलाते हुए फाइनली उत्तर प्रदेश में, चूंकि ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कमिश्नर साहब, जब आप आ रहे थे बोल रहे थे 30 साल 40 साल पीछे है, हमारा तो ये मानना है कि हम कर्नाटक साउथ इंडिया वाले अल्हम्दुलिल्लाह रोबोटिक दौर में जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल वहाँ से उत्तर प्रदेश का एक रिक्शा वाला दिल्ली के अंदर आता है और उसको बेटी पैदा होने पर वो सेलिब्रेट भी करते रहता है। 6 महीने हो जाते हैं, 6 महीने होने के बाद जब बेटी पैदा होती है तो बदकिस्मती से जहाँ गरीबी है वहाँ पानी की सफाई नहीं है, जहाँ गरीबी है वहाँ गलाजत भी है। जैसा सर बता रहे थे, कोई एक साहब लेकर के कोई कुछ चीज़ फेंक देते हैं, यहाँ बच्चों को तकलीफ होती है। तो इसी तरीके से वहाँ का भी मामला ये तकरीबन ऐसे ही रहता है। फाइनली वो उसकी बीवी जो है 6 महीने के बाद अनफॉर्चुनेटली इंतकाल हो जाता है। तब उसके रिश्तेदार आकर बोलते हैं, आप शादी जो है बच्ची रही है, आप दूसरी शादी कर लीजिए, ये बच्ची का ख्याल रखे। जैसा होता है वो आदमी बोलता है, मैं शादी नहीं करूँगा बल्कि मैं अपनी बेटी का ख्याल रखूँगा क्योंकि मैं अपनी पहली बीवी को ही भूल नहीं पा रहा हूँ। जो ही ये बात बोलता है लोग चले जाते हैं, वो बच्ची का ख्याल रखते हुए माँ का भी रोल वही कर रहा है, वालिद का रोल भी वही कर रहा है। फाइनली वो बच्ची 5 साल की हो जाती है, उर्दू मीडियम में एडमिशन कराने के वास्ते वहाँ पे लोग लेकर वो अपने बेटी को ले जाते रहता है। तब दूसरे लोग मशवरा देते हैं, क्या कर रहे हैं तुम तो रिक्शा चलाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले के बच्चों को पढ़ाने से क्या मिलता है, क्या नौकरी मिलती है, क्या हासिल होता है। तब वो रिक्शा वाला मुस्कुराता है और बोलता है, पढ़ने से नौकरी मिलती है या नहीं मिलती है अलग बात है, लेकिन ज़िंदगी बदल जाती है, जीने का ढंग और जीने का सलीका आ जाता है, इसीलिए मैं अपनी बेटी को क्या है स्कूल में लेकर जा रहा हूँ। लोग बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े बात कर रहे हैं, ऐसे बड़ी बड़ी बातें कौन सिखा रहे हैं। तब वो बोलता है, मैं रोज़ाना एक टीचर को जो है स्कूल को ले जाकर छोड़ता हूँ, तो उन्होंने मेरे को खास करिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। फाइनली वो बच्ची उर्दू मीडियम में एडमिशन लेती है। आप उर्दू मीडियम में हैं तो आप खुश हो जाइए, कन्नड़ मीडियम में है तो खुश होइए, या आप जो है मराठी मीडियम में भी हैं तो खुश हो जाइए। अमेरिकन को 4 लैंग्वेज नहीं आते सर, अमेरिकन को 4 लैंग्वेज नहीं आते, 6 लैंग्वेज भी नहीं आते। हम इंडियन को अल्हम्दुलिल्लाह 6 लैंग्वेज आते हैं, खुसूसन मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को अरबी भी सीखना है, उर्दू भी सीखना है, हिंदी भी सीखना है, कन्नड़ा भी सीखना है, इंग्लिश भी सीखना है, अब तो संस्कृत भी सीखना है। फाइनली ये इंडिया के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जब अपना इस्तेमाल कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, अमेरिका भी इन लोगों को बुला रहा है। तो ये हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बच्चे भी उर्दू मीडियम में पढ़ती है, उर्दू मीडियम में पढ़ने वाले तोते नहीं होते रटने वाले, वो समझने वाले होते हैं। जापान का बच्चा जापान में पढ़कर समझता है तो साइंटिस्ट बनता है, अमेरिका का बच्चा अमेरिका के स्कूल्स में अमेरिकन लैंग्वेज में पढ़कर पढ़ता है तब क्या बनता है, वो भी साइंटिस्ट बनता है। तो आप भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी पर्सनालिटीज इंशाल्लाह बन सकते हैं, इसीलिए बी हैप्पी एज ए उर्दू मीडियम स्टूडेंट। या तो एडमिशन मिला देता है स्कूल में, बच्ची फाइनली 1st से लेकर 10th तक पढ़ लेती है, 10th पास होने के बाद एडमिशन हो जाता है उसका किसमें, PUC आर्ट्स में। अब बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, तब अगर PUC आर्ट्स के बारे में बोले तो ऐसा बुरा मुंह करते रहते हैं जैसा लगता है 3 दिन से खाना नहीं खाए और 4 दिन से परेशान है बोले जैसा। जी हाँ, ये लोगों को मालूम नहीं रहने की वजह से मिसगाइड करने का मामला है। फाइनली वो बच्ची PUC आर्ट्स में एडमिशन ले लेती है। अब जब PUC आर्ट्स में एडमिशन लेती है तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप मिलने के बाद 1st ईयर 2nd ईयर भी पास होती है। उसके बाद जो है वो बच्ची BA में एडमिशन लेती है, BA में एडमिशन लेने के बाद BA भी कंप्लीट होता है। उसके बाद रिंग सेरेमनी का मौका आता है, शादी का मौका आता है, ये रिंग सेरेमनी का मौका आता है, लड़का ढूंढने का बात आती है, चूंकि लड़कियां बड़े हुए हैं और लड़के नहीं पढ़ रहे तो नतीजा क्या आता, बहरहाल ढूंढना शुरू करती है, एक लड़का मिल ही जाता बेचारा। तो वो फंक्शन हॉल में एक मैनेजर रहता है,
अब रिंग सेरेमनी के टाइम वो बच्ची बोलती है मैं एक बचपन से ख्वाब देख रही हूँ, वो मेरा ख्वाब ना मेरे अब्बू पूरा करे ना मेरे टीचर पूरा करे, मगर मेरे को पक्का यकीन है वो मेरा ख्वाब तुम्हें पूरा कर सकते। अच्छा, बहुत खुश हो जाता। बोलो क्या होना तुम्हारे को? आसमान से अगर स्टार सुना है तो वो भी लेके आकर देता हूँ। उन मुस्कुराती बोलती है नहीं मेरे को स्टार की जरूरत नहीं है, मेरे को स्टार की जरूरत नहीं है, एक 3 साल के बाद हम लोग शादी कर लेंगे। अच्छा, थोड़ा टेंथ पढ़ा रहा था तो समझदार रहता बेचारा, ठीक है मान लेता है। फर्स्ट टर्म बच्ची एग्जाम लिखती है बेटा फेल होती है, सेकंड टर्म लिखती है फिर फेल होती है। बेटा एग्जाम में फेल हुआ जाता है, फर्स्ट टर्म से फेल नहीं होता। दोबारा रिवर्स था, अब्राहम लिंकन कई दफ़ा फेल हुआ, कंगाल हुआ, उन अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है तो वाह भी नॉट। या सेम मामला वही होता है, तीसरी दफ़ा मिर्जा साहब वो बच्ची एग्जाम लिखती है। एग्जाम लिखना क्या था, मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। अचानक उनके एरिया में 2 व्हाइट कार रेड लाइट के साथ लोग आना शुरू करते हैं। अब वहाँ के जो अतराफ के लोग थे वो अतराफ के लोग बात करना शुरू करते हैं, क्या अरे देखो ये तो बच्ची सबसे ज्यादा हमारे एरिया में पढ़ी थी, ये बच्ची बीए करी थी, इन्हें क्या तो भी खतरनाक गलत काम करी होंगी, इसके वास्ते पहली दफा हमारे पास कौन आ रही है, पुलिस आ रही है। उसमें से डीसी बाहर निकल कर बोलता है कि बेटा तुम्हारे जैसे 10-10 हज़ार लोग जो काम नहीं करे ना, ये अकेले लड़की काम करी। ऐसा क्या काम करी साहब, बोलो हमारे को भी तो मालूम होना ना। हाँ बिल्कुल बताता हूँ। तब बोलता हूँ ये जो है क्लास 1 ऑफिसर बनी है। वो बोलती है क्लास 1 ऑफिसर किसको बोलते हैं साहब, भोले भाले रहते हैं बेचारों को मालूम नहीं रहता, पढ़े लिखे नहीं रहते, नहीं मालूम रहता क्या करना। तो बहरहाल भोले भाले रहते हैं, बोल देते हैं कि ये क्लास 1 ऑफिसर किसको बोलते हैं। अच्छा पुलिस मालूम है क्या? हाँ साहब हम रिक्शा चलाते हैं, खासकर जामा मस्जिद के पास दिल्ली, जो ऐसे स्टाइल में बैठे हुए रहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में लोग, 4 छोटा सा रिक्शा रहता है। हाँ साहब हमारे को मालूम नहीं, खाली पुलिस मालूम है। हाँ आप पुलिस के डंडे भी मालूम है। तो पुलिस के साथ के साथ की साथ की साफ बन गए लोग। हाँ लोग परेशान हो, इतनी बड़ी ऑफिसर, हाँ इतनी बड़ी ऑफिसर। उसके बाद जो डायलॉग बोला जाता खादर साहब बेटी के जरिए, ये हर बेटी के लिए और हर बेटे के लिए एक मिसाल है, एक 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 गाइडेंस है। वो बेटी बोलती है अब्बू अब यहाँ से चलो, अब रोज़ाना तुम्हारे वास्ते 2 से 4 लोग जो है खाना पकाने के लिए तैयार हैं, और बहुत बड़ा घर है, ना सिर्फ घर बल्कि 6-6 लोग तुम्हारे को सल्यूट मारने भी तैयार हैं, अब यहाँ से चलो अब्बू। वालिद साहब बोलते हैं बेटा मैं तो तुझे एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया था फिर ये, और मैं तेरे लिए कोई पैसों का भी इंतज़ाम नहीं करा, आखिर तू बनी कैसा मेरी बेटी? क्योंकि बाप जो मोहब्बत करता है सबसे ज्यादा किसे करता है? बेटी से करता। तो वो जब बोलता तो वालिद साहब बोलते हैं तो बेटी बोलती है अब्बू मैं बचपन में जब आप मेरे को रिक्शा में लेकर जाते थे स्कूल, यहाँ से पसीना बहता था अब्बू, ये जो पसीना में था अब्बू ये दरअसल तुम्हारा खून था जो मैं महसूस करती हूँ, तो मेरे लिए सुबह से शाम तक मेहनत कर तब मैं सोची थी कि मैं कुछ ना कुछ बनूंगी, मगर जब मैं 10th में थी कोई साहब आए थे एक लेक्चर दिए थे और मैं उसी वक्त डिसाइड करी थी कि मैं आज IAS ऑफिसर बनूंगी, तो मैं आज IAS ऑफिसर बन गई। तो बेटा पैशन रहा, डेडिकेशन जुनून और जज्बा साथ में इस्तेकामत रही तो आप अपनी फील्ड के अंदर इंशाल्लाह बहुत कामयाब हो सकते हैं। 3,000 से ज़्यादा कोर्सेस हैं। मैं इससे पहले अब्दुल रब साहब से इजाज़त लिया था क्योंकि हमको पहुंचने में देर हुआ, तो ये पहलू से इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आने वाली मंगल को ये मैं सर से भी वही पूछ रहा था, सर इंशाल्लाह बोलेंगे आपको, वो जो हॉल है उस हॉल के अंदर इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ मैं आपको इंग्लिश में हेल्प करूँगा, पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अगर सर मेरे को परमिशन देते हैं, आप ऐलान करते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ मंगल के दिन 9 बजे मैं करेक्ट उससे पहले यहाँ रहूँगा, मेरे साथ मेरी टीम रहेंगी, आपके जितने भी स्कूल के 8, 9, 10 या 9, 10 PUC के जितने बच्चे हैं जो भी हैं आप वहाँ जमा कर लीजिए। लोग 6 महीने में पहले इंग्लिश सिखाते थे जब मैं सीखता था, 3 महीने में सिखाते थे जब मैं सीखता था, और जहाँ भी जाता लोग ऐसा हैबत डालते थे रब साहब आप तो बड़े लकी हैं यूपी वाले साहब मिल गए आपको, हमको तो कोई यूपी वाले साहब ही नहीं,
ऐसा अत्याचार हमारे साथ भी हुआ। जब भी मैं जिनके पास जाता था पहला सेंटेंस उन्होंने ऐसा पढ़ के बताते थे, क्या बताते, नॉन इज नेम ऑफ पर्सन, ऐसा बिचक जाता था मैं जैसे मेरे को करंट मारा है। क्यों तो अगर मेरे को आता तो मैं आपके पास क्यों आ रही। तो उसके बाद फिर मैं सेल्फ पढ़ना शुरू करा। आज अल्लाह के फजल से खुश हूँ, अच्छा हूँ। आए अल्लाह का शुक्र रहा कि सेल्फ सीखने का ये नतीजा है कि आज मैं स्टूडेंट्स को समझते हुए, इनके प्रॉब्लम को समझते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूँगा। 3 महीने का भी दौर खत्म हो गया बेटा, जब से मोबाइल आया बटनों का दौर खत्म हुआ, तो अब स्क्रीन टच में क्या बटन लगे। ये पहलू से 3 दिन मैं पढ़ाता हूँ, अब इंशाल्लाह 3 दिन में मैं छोड़ दिया हूँ। सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक इंशाल्लाह आपकी क्लास रहेगी। मेरी तरफ से स्पोकन इंग्लिश जो 3,000-3,500 रुपये ले कर पढ़ाते हैं, वो मैं इंशाल्लाह उर्दू की मोहब्बत में, इस्लाम की मोहब्बत में, इंसानियत की मोहब्बत में, और अल्हम्दुलिल्लाह एक तोहफा पेश करने के वास्ते हमारे अब्दुल रब साहब की खिदमत में, ये इंशाल्लाह मैं मंगल के दिन सुबह 9 बजे मेरी टीम के साथ रहूँगा। इंग्लिश कितने दिन में सीखेंगे बोले तो हैबत खाने की ज़रूरत नहीं, अम्मो इंग्लिश एक्ट इंग्लिश। ये पहलू से 3 दिन भी नको, 3 महीने भी नको, कितने दिन में सीख सकते सर, इंशाल्लाह सिर्फ 1 दिन में आप इंग्लिश सीखेंगे और उसको नाम देंगे हम चैलेंज टू चाइना। क्या बोलेंगे? अब आपके जहन के अंदर ख्याल आता है चाइना के अंदर तो चाइना चलते होंगे, तो चाइना हर चीज़ में हमारे से टक्कर लेने आ रहा है, मगर आईटी में भी कोशिश करा सा हमारे पास आने की। हमारी इंग्लिश का अल्लाह के फजल से ये क्लास बोल रहा कि चाइना उसके हमारे सामने टिक नहीं पाया, तो ये पहलू को मैं जहन में रख के लेकर आया हूँ। एक हदीस बोल के मैं अपनी बात करता हूँ, कोर्सेस का जो डिटेल है उसी दिन मैं इंशाल्लाह मंगल के दिन 3,000 से ज़्यादा कोर्सेस हैं 10th के बाद, क्या करना क्या नहीं करना वो डिटेल उसका भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। और साथ ही साथ ये जो स्पोकन इंग्लिश का मैं आपको बताया, 1 दिन में उर्दू मीडियम के बच्चों को मेरी तरफ से इंशाल्लाह फ्री रहेगा। बहुत जल्द कन्नड़ा में भी नम्मा मुबीन बोल के इंशाल्लाह आने वाला है। तो हदीस ये है, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, जो शख्स अपने भाई की मदद में लगता है अल्लाह उसकी मदद में लगता है। मिर्ज़ा साहब अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम अरेंज करने के वास्ते कोशिश करें, अल्लाह इनकी कोशिश को कबूल करे, अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग हमारी बात को कबूल करे और यहाँ पर अपना वक्त निकाल कर इतने बड़े शहर के नामुर शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ है। मैं आपका भी एक हक में भी दुआ गो हूँ, हमारे लिए खास दुआ कीजिए। और एक शेर है आप सबके लिए है, एक शेर वो है जो 4 पैरों का रहता है और एक शेर को आप समझ सकते हैं। तो शेर ये है कि माना है कि तूने मारा है, माना है कि तूने मारा है। किसने मारा सर? अंग्रेजी ने मारा बाबू। तो माना है कि तूने मारा है, पर मैंने भी ये ठाना है। लोग डरते हैं तुझसे बहुत, मेरे बच्चों से तुझे डराना है, मेरे बच्चों से तुझे डराना है। थैंक यू वेरी मच।